Welcome back to our YouTube channel, The Learning Education for You. How are you guys? कैसे हैं आप सब? I hope you are doing well. Now today we'll start application of trigonometry in mathematics for class 10th. Class 10th में आप लोगों ने I think कि trigonometry से related तीन videos देखी इस channel पे. Trigonometry में first part, second part, third part. First part में आप लोगों ने देखा कि हम लोग sin theta, cos theta, I think trigonometry के जो ratios होते हैं उसको PBP और HHB की short tricks से हम लोगों ने उसके formulas को find किए कि इस ratios के formulas क्या होते हैं. 6 ratios होते हैं trigonometry के, sin, cos, tan, sec, cosec और cot. ये 6 applications ratios जो है वो हम लोगों ने उसके formulas find किए. उसके बाद सेकंड में देखा, आई थिंक पार्ट सेकंड में देखा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, हम लोगों ने उसकी एंगल के टेबल को ड्रॉ करने के लिए सीखा कि कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं. पार्ट थर्ड में कुछ क्वेश्चंस लगाए और हम लोगों ने उसके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से कुछ सॉल्व किए क्वेश्चंस. अब हम लोग चलते हैं आफ्टर दैट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री था और चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से. तो चलिए विदाउट टाइम लॉस किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 फॉर क्लास 10. चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो नोन एज हाइट एंड डिस्टेंस. इसमें क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस नाम से पता चल रहा है कि कोई हाइट होगी और कोई डिस्टेंस होगा. किसी हाइट से अगर कोई डिस्टेंस पे किसी चीज़ को हाइट पे देख रहा है तो कुछ ना कुछ एंगल से देख रहा होगा. कितने एंगल से देख रहा है या कितनी डिस्टेंस से देख रहा है और जो भी देख रहा था उसकी कितनी हाइट थी. फॉर एग्जाम्पल हाइट हमारी क्या हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकता है या फिर कुछ भी, आई थिंक ट्री भी हो सकती है. डिस्टेंस कितनी दूरी पे देख रहा है. मान लिया कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, किसी डिस्टेंस पे रोड पे कार जा रही है उसको देख रहे हैं, तो बिल्डिंग से कार की डिस्टेंस जो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी. अगर कोई ऑब्जर्वर किसी डिस्टेंस से किसी हाइट पे देख रहा है तो जितने एंगल से देख रहा होगा, अगर नीचे से ऊपर है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा. सिमिलरली अगर कोई बिल्डिंग बैठिंग के टॉप ऑफ द हाइट पे होगा और नीचे देख रहा होगा किसी भी ऑब्जर्वर को या किसी भी कोई पॉइंट को, तो जो होगा जो एंगल पे देखेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन. तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक हाइट एंड डिस्टेंस में किसी हाइट की डिस्टेंस होती है और कुछ एंगल ड्रॉ होते हैं. आई थिंक दो एंगल ड्रॉ होते हैं. दो एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्जन. एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है और एंगल ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है, दोनों की बात करें अगर तो किसी हाइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि ए बी एक हाइट है जो कि क्या है, मान लिया टावर. टावर से किसी बी सी की डिस्टेंस पे कोई मैन आई थिंक ऑब्जर्वर है और कहां पे देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर पॉइंट ए पे देख रहा है, तो कितने एंगल से देख रहा होगा. इसका मतलब साफ है कि अगर कोई चीज नीचे से ऊपर देखेगी तो आई थिंक जस्ट लाइक इस तरह से देखेगी कि हमें अपनी आंखें उठा के देखना पड़े, तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. दूसरी तरह आते हैं, अगर कोई बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग या टावर, इसको हम लोग बिल्डिंग ले लेते हैं बिकॉज ऊपर हम लोग टावर ले चुके हैं. अगर कोई बिल्डिंग पे पी पॉइंट पे एक आदमी आई थिंक ऑब्जर्वर है और किसी डिस्टेंस बिल्डिंग से किसी डिस्टेंस पे नीचे देखता है पॉइंट आर पे, तो जो एंगल पे देखेगा आई थिंक वो क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो पहले उसका एंगल ऑफ विजन क्या होगा, सामने देखेगा, फिर धीरे धीरे नजर झुकाएगा और नीचे की तरफ देखेगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे देखेगा तो ये जो होगी वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन. तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल हो जाएगा बिकॉज अगर कोई पैरेलल लाइन को किसी लाइन कट करती है तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको बता दूं कि कुछ फॉर्मुलेज ऐसे यूज होते हैं जो रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री होता है, जस्ट लाइक साइन कॉस टैन के रेशियोज के फॉर्मुले यूज होते हैं. कुछ एंगल्स यूज होते हैं जस्ट लाइक साइन कॉस टैन या फिर अदर देन ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होती है, किसी के भी एंगल यूज हो सकते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के एंगल यूज होते हैं. तो चलिए पहले हम लोग कुछ फॉर्मुले फाइंड कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बताया था लास्ट वीडियोज में आई थिंक मैथ की साइन कॉस टैन, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, किसकी हेल्प से बताया था, पी बी पी और एच एच बी की हेल्प से. हम लोगों ने एक टेबल ड्रॉ की, तीन खाने ऊपर तीन खाने नीचे, बीच ऊपर में लिखा पी बी पी. आप लोगों को याद होगा फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बताया था जस्ट लाइक जो सपोर्ट पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, जस्ट लाइक जोक है ये, बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा आप लोग. उसकी हेल्प से हम लोग याद कर सकते हैं, आप लोग अपना कुछ भी बना सकते हैं याद करने के लिए. तो चलिए ये वाली लाइन जो होगी हमारी वो किस चीज का काम करेगी, डिवाइड का, अपॉन का काम करेगी. तो साइन पी अपॉन एच,
अब बात आती है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री होगी तो इसके अंदर पी और एच आता कहाँ से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, अदर देन वो किसी ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो। तो चलिए हमने ले लिया कि अगर ये ए बी सी एक हमारे पास ट्रायंगल है जिसका बी एंगल क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज एच, एंगल के सामने की जो साइड होगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, और जो बचता है आई थिंक वो क्या हो जाता है बेस। एंगल ये और ये आपस में चेंज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एंगल ए लेते तो एंगल ए के सामने की जो साइड होती वो क्या हो जाती परपेंडिकुलर, तब परपेंडिकुलर ये हो जाता और फिर जो बचती साइड वो हो जाती बेस। ये और ये आपस में इंटरचेंज होते हैं लेकिन हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए साइन की अगर बात करें तो क्या रहा है पी अपॉन एच, पी क्या है परपेंडिकुलर, एच क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा इसका फॉर्मूला P अपॉन एच। नेक्स्ट कॉस का B अपॉन एच, इसी तरह टैन का P अपॉन B, कॉट का B अपॉन P। चलिए देखिए क्या किया हम लोगों ने, पहले टैन ले रहे थे ऊपर से नीचे लेकिन अब नीचे से ऊपर लेंगे बिकॉज कॉट कहाँ पे नीचे, तो ये पहले होगा और ये बाद में होगा, तो क्या हो जाएगा B अपॉन P। से की बात करें क्या हो जाएगा H अपॉन B, और कोसेक की बात करें तो क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। गौर से देखिए आप लोग, ये किस चीज का पोलेट है इसका, ये किसका है सेक का, और टैन किसका है कॉट का। साइन थीटा इक्वल टू आ रहा था पी अपॉन एच, कोसेक बराबर आ रहा है एच अपॉन पी, यानी जस्ट अपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। कॉस बराबर आ रहा था बी अपॉन एच, तो सेक बराबर आया एच अपॉन बी, सिर्फ रेसिप्रोकल हो, बाकी सारी चीजें वही थी। अब चलिए एंगल पे डिस्कस करते हैं कि हम लोग एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए एंगल की बात करते हैं कि एंगल के फॉर्मूले कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए सबको नहीं बताएंगे, कुछ एंगल्स हम बता रहे हैं कि कैसे होता है। साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो जीरो, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1। ये आप लोगों को फर्स्ट साइन याद करना पड़ेगा, वरना इसकी भी ट्रिक हम लास्ट टाइम बता चुके हैं इन पार्ट टू में ट्रिग्नोमेट्री के। जो ये वाला होगा वो यहाँ आ जाएगा, जो ये वाली वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, जो ये वाली वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, जो ये वाली होगी वो यहाँ आ जाएगी, और साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2 1/√2। टैन की बात करें तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी या फिर टैन के कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको रेशियो फॉर्मूला बोलते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन ये है कॉस ये, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 0/1 क्या होता है 0, 1/√2 √3/2 क्या आ जाएगा सिर्फ √1/√3। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा √3 और इसमें आ जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, आई थिंक कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर एक चीज़ यूज होने वाली है कि अगर कोई टू साइड्स हम लोगों को है नोन है और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर कोई दो साइड पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल में तो तीसरी साइड हम लोग उसके फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मीन्स हाइपोटेन्यूज, आई थिंक कि जो ट्रायंगल की सबसे लॉन्ग साइड होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंगल के सामने वाली साइड होती है पी और जो बचता है वो होता है बी। चलिए ये सारी चीजें जो हो गई आप लोग इसको नोट डाउन कर ले और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। एनसीईआरटी की बुक से हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकॉज उसके हेल्प से आप लोग क्वेश्चन देख भी पाएंगे और अपनी कॉपी में सॉल्व भी कर पाएंगे। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है फॉर हाई स्कूल, चैप्टर नाइन में आई थिंक एट एक्सरसाइज है 9.1, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 16, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है। 16 क्वेश्चन तो हम लोग आप लोगों को नहीं बताएंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व किए दे रहे हैं, उसकी हेल्प से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी आप लोग हमें बताइएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो रिशोर करके आप लोग की हेल्प के लिए भेज दूंगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है देखिए सिर्फ मैं गिवन चीज़ें फाइंड उसमें बताऊंगा कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो कि पेज नंबर 203 है, एनसीईआरटी फॉर क्लास 10 पेज नंबर 203 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
A circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि चढ़ता है, क्लाइंब करता है 20 मीटर लॉन्ग रोप से, रस्सी से, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड. एक वर्टिकल पोल है, उससे चढ़ता है, बंधा हुआ है, उससे टाइटली बंधा हुआ. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 degrees. इसके अंदर फिगर भी दिया हुआ है. एक्सरसाइज 9.1. देखिए क्वेश्चंस में फिगर दिया हुआ है. एक आई थिंक कि हम लोग को पोल दिया हुआ जिसका हम लोगों ने ले लिया क्या ए बी, और एक रोप है जिसकी लेंथ क्या दे रखी है 20 meters. कितने एंगल से ये मेडअप है 30 degrees से. इसको हम लोगों ने मान लिया सी. ये पोल है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसकी हाइट ले ली एच. इसके डिस्टेंस, अब क्या है डिस्टेंस, बिकॉज हम लोग को नीड नहीं है सर, इसे हम लोग बिल्कुल वो नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या ले लिया हम लोगों ने. लेट ए बी इज द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू एच and AC is the height of rope which is 20 meters. हम लोगों को find क्या करना है, I think कि AB find करना है. देखिए आप बता दें इन ट्रायंगल ABC में अगर ये नीचे से ऊपर देख रहा है, because जो हमारा सर्कल आर्टिस्ट है वो कहाँ से चल रहा है, जमीन से, आई थिंक कि किसी ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड लेवल से चल रहा है. कहाँ पे क्लाइंब कर रहा है, फ्रॉम रोप, और वो रोप किससे स्ट्रेच्ड है, पोल से जो कि एच हाइट की है. तो ये जो पोल होगी वो ग्राउंड लेवल से क्या बनाएगी, आई थिंक ये 90 degree एंगल बनाएगी. जैसे ये 90 degree एंगल बनाएगी वो क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, आई थिंक इसके सामने की जो साइड हो गई वो क्या हो जाएगी एच, हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने की जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पोल, सॉरी परपेंडिकुलर. तो इन ट्रायंगल अभी आप लोगों को हमने कुछ फॉर्मूले बताए थे जो कि पी एच और बी के फॉर्म में थे. पहला फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, इसमें अप्लाई कर दीजिए तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पी अपॉन एच ये होता है. थीटा की जगह पे हम लोगों को कितना दिया हुआ है 30 degrees. पी की जगह पे क्या दिया हुआ है, आई डोंट नो, इस वजह से हम लोग क्या ले लेंगे एच, और एच की जगह पे है 20 degrees. साइन 30 की वैल्यू याद करिए, फर्स्ट लाइन का सेकंड जो एंगल था वो क्या था, साइन 30 जो कि इसकी वैल्यू थी 1/2 एच अपॉन 20. सॉल्व किया इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2h इज इक्वल टू 20. तो h बराबर क्या आ जाएगा 20/2. सॉल्व किया कितना आ गया 10 meters. h बराबर आ गया 10 meters. क्लियर, जो कि इसकी क्या हो गई हाइट ऑफ द पोल. यही हमें फाइंड करनी थी. क्वेश्चन नंबर 3, आई थिंक मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इवेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन सारे मैं लगा दे रहा हूँ और इवेंट क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, जो प्रॉब्लम आएगी आप हमें बताइए. तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आफ्टर वन क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क. एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्टर 2 झूले इंस्टॉल करना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल के नीचे बच्चों के लिए. शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is the height of 1.5 meter. She prefers, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है, लेडीज है, और एक ऐसा 5 साल से छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा झूला इंस्टॉल करना चाह रही हैं जिसकी हाइट जो है वो क्या है 1.5 meter है. तो झूला ऐसा ही होता है, इस पर चढ़ते हैं और ऐसे होता है, लाइक कह रहे हैं कि ये इंक्लाइन से कितने एंगल का डिग्री, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 degrees का. तो मान लिया हम लोगों ने कि ए बी ये हाइट है इस चीज की, स्लाइड की, और एसी क्या है, स्लाइड है. हम लोगों को निकालना क्या है, एसी की वैल्यू निकालनी है कितनी लेंथ है स्लाइड की. तो इसमें 2 केस दिया हुआ है. पहले क्वेश्चन पूरा है क्या ये कर लेते हैं. 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 degrees टू द ग्राउंड. ग्राउंड से कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, 30 degrees के एंगल पे ये एंगल इंक्लाइन कर रहा है. वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड. एक स्टेप स्लाइड का झूला जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रंस के लिए,
एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, जिसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, 60 डिग्री एक एंगल ड्रॉ कर रहा है ग्राउंड से, वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, स्टीप है जो कि उसके स्लाइड की लेंथ निकालनी है दोनों केस में, पहले केस में बिलो 5 ईयर वाले बच्चों के लिए और उसमें क्या है एल्डर बच्चों के लिए, मतलब क्या है अबव 5 ईयर बच्चों के लिए, तो दो केस हैं। केस फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें कहा है कि जिसकी हाइट है झूले की, आई थिंक स्लाइड की जो हाइट स्टीप की जो हाइट है 1.5 है और स्लाइड क्या है ए सी, लेट हम लोगों ने क्या मान लिया ए बी इज द हाइट ऑफ स्विंग, इसको झूले की हाइट है, एंड ए सी इज द स्लाइड ऑफ स्विंग, कितना एंगल पे ड्रॉ कर रहा है 30 डिग्री पे। तो चलिए पहले चलते हैं, देखिए कि अगर कोई भी पोल है कि कोई भी हाइट है वो ग्राउंड से कितने डिग्री के एंगल पर ड्रॉ करता है 90 डिग्री पे, जैसे ही 90 डिग्री हुआ ये क्या बन गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं साइन कॉस टैन, आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस या फिर ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एंगल के सामने की जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया पी, हो गया एच। इन ट्रायंगल ए बी सी में कितने डिग्री के एंगल पर बात हो रही है 30 डिग्री, तो साइन ले लेंगे। क्यों साइन लिया हम लोगों ने, बिकॉज अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को देखा पी बी पी और एच एच बी के हल्के, हम लोगों ने 6 फॉर्मूले को फाइंड किए, उसमें पहला आ रहा था पी अपॉन एच जो कि साइन थीटा का था, तो पी हमें पता है और एच फाइंड करना है बहुत आसानी से आ जाएगा, क्या हो जाएगा पी अपॉन एच जो कि क्या दिया हुआ है ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू है 1.5 और ए सी नहीं पता तो हम लोगों ने हाइट मान रखा है उसकी, लेंथ मान रखा है एच, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एच इज इक्वल टू आ गया 2 × 1.5 कितना आ जाएगा 3 मीटर, जो फर्स्ट वाले जो झूले की स्लाइड है वो कितनी है 3 मीटर की। केस सेकेंड की अगर बात करें, इन केस सेकेंड तो जो भी आई थिंक की अबव द 5 ईयर एज ऑफ चिल्ड्रेन उनकी जो हाइट है वो क्या है 3 मीटर है स्टेप की, और ये कितने एंगल पे ड्रॉ कर रहा है 60 डिग्री पे कर रहा है, हम लोगों को क्या निकालना है इसकी स्लाइड निकालनी है, तो वही ए बी सी, फिर वही क्या लगा देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में कितने डिग्री पे हो रहा है 60 डिग्री, तो टैन साइन 60 ले लिया, क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, बिकॉज पी हो जाएगा और एच ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा की है, साइन का फॉर्मूला होता है, ए बी की जगह पे दिया हुआ है 3 और ए सी नहीं पता, एच है एच डैश मान लीजिए बिकॉज एच डैश के हम लोग एच यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो ये एच डैश हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एच डैश बराबर हो जाएगा √3, एच डैश बराबर हो जाएगा 6, 2 × 3 = 6 और एच डैश √3 इधर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा 6/√3 हो जाएगा, तो एच डैश बराबर जाएगा 6/√3। आप लोगों में बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में अपॉन में रूट नहीं रखना है बिकॉज उसकी वैल्यू को फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से क्या करेंगे कि अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अपॉन आई थिंक डिनोमिनेटर में अगर रूट में कोई वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोग रेशनलाइजेशन करके उसको सॉल्व कर लेंगे और उसका रूट हटा देंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे होगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो √3 है, √3 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, √3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 आ जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, 3 × 3 = 6 तो कितना आ गया 2√3, ये एच डैश की वैल्यू आई थिंक की सेकेंड स्लाइड ऑफ लेंथ की ये आ गई। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऑड का है वो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस नहीं, मोस्टली ऑड क्वेश्चन में ऑल कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ और बाकी इवन क्वेश्चंस आप लोग लगाते रहे हैं, जो प्रॉब्लम आए हमें बिल्कुल बताएं, नहीं होगा तो हम आपको पर्सनल वीडियो सेंड करेंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं बता पा रहे हैं या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा न्यू आइडियाज शेयर करना चाह रहे हैं तो आप नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी पे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं आप लोग कि आपके क्या अपने सजेशन और आइडियाज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव, एक
ऑफ द ग्राउंड, एक काइट जो कि फ्लाई कर रही है वो जमीन से, आई थिंक कि ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड, और एक स्ट्रिंग अटैच है उससे टेम्परेली पॉइंट द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से वो अटैच है, आई थिंक यहाँ पे पकड़े हुए है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और कितने एंगल पे वो इंक्लाइन कर रहा है, 60 डिग्री पे स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, वो स्लैक आई थिंक बिल्कुल भी मोड़ वोड़ नहीं रही है या बिल्कुल भी स्लैक नहीं हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर लेते हैं हम लोग, और इसके हम लोग स्ट्रिंग की हाइट निकालते हैं कि कैसे एक ग्राउंड लेवल से, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि ग्राउंड लेवल ये हो गया 60 मीटर अबव, तो ये 60 मीटर अबव हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से काइट बंधी हुई है और यहाँ उड़ रही है, ये काइट क्या है, ये उड़ रही है। तो अब जो ये काइट उड़ रही है कितनी इसकी स्ट्रेंथ आई थिंक की लेंथ होगी ये, और ये दिया हुआ है हम लोग को कितने एंगल पे कर रहा है, 60 डिग्री पे कर रहा है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है इसके अंदर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेट ए सी, ये ए और सी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज एच मीटर, कितने मीटर हम लोगों ने मान लिया है, एच मीटर मान लिया है। वही लगा दीजिए क्या, इंटर एंगल ए बी सी में, मोस्टली क्वेश्चन में साइन लगने जा रहा है बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू हम लोग लगा देंगे, साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी 60 कितनी दी हुई है, रूट 3/2 आई थिंक ये अभी हम लोगों ने कुछ पहले फॉर्मूले फाइंड किए कैसे आते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, 60 दी हुई है, और ए सी हम लोगों को नहीं पता, एच क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 3 एच इज इक्वल टू हो जाएगा 120, एच बराबर आ जाएगा 120 अपॉन रूट 3। अभी हमने आपसे बताया क्या कि इसको हम लोग अपॉन में रूट नहीं लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू 120 अपॉन रूट 3 रैशनलाइजेशन कर देंगे। रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो नीचे रूट में रहता है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड बंद कर देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, सॉल्व किया कितना आ गया 40 रूट 3 होगी इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जो कि ऑड में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का है, इन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड से एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ट्रांसमिशन, फिक्स द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग 40 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है और उस पर एक टावर लगा हुआ है, जो 20 मीटर की बिल्डिंग है उससे पहले एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, और जो 60 मीटर की वो टावर लगा हुआ है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जो कि लेंथ नहीं पता है उसकी जो एंगल आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है, हम लोग को फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर की। तो चलिए क्वेश्चन पे पहले लेते हैं कि मान लिया हम लोगों ने कि एक बिल्डिंग है जो कि है कितने मीटर की है, 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर की दी हुई है बिल्डिंग ए बी, हम लोगों ने 20 मीटर की बिल्डिंग ले लिया जो कि ये इंक्लाइन से एंगल बना रही है ग्राउंड लेवल से 45 डिग्री का, फिर इसी बिल्डिंग पे एक टावर लगा हुआ है कुछ हाइट का, आई डोंट नो वो कितने एंगल पे एंगल बना रहा है, उसी पॉइंट से सेम पॉइंट से कितने पे बना रहा है, 60 पे बना रहा है, इसका नाम रख दीजिए पी और इसका नाम रख दीजिए सी। क्लियर, एक बार फिर से देखिए क्या किया हम लोगों ने, ए बी इज अ बिल्डिंग विच हाइट इज 20 मीटर इंक्लाइंड 45 डिग्री, उसके ऊपर एक 60 मीटर आई थिंक कि कुछ मीटर की टावर है
जो कि कितने एंगल पर ड्रा हो रहा है, 60 डिग्री पे हो रहा है, और हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, पी पॉइंट। इसकी हाइट हम लोगों ने दे दी बी, सॉरी एच। लेट ए बी बी द बिल्डिंग एंड पी ए इज द हाइट ऑफ टावर, जो कि कितना है, एच मीटर। क्लियर। चलिए चलते हैं, इस पॉइंट को दे दीजिए सी। इसमें देखिए आप लोग गौर से देखेंगे कि दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो ए बी सी जो कि छोटा वाला ट्रायंगल हो रहा है जिसका एंगल कितना है 45 डिग्री, और दूसरा एंगल आ रहा है पी बी सी जिसका एंगल, होल एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो चलिए पहले छोटे वाले में लेते हैं। इन ट्रायंगल हम लोगों को सिर्फ ये करना है, इसको फाइंड नहीं करना है, इसको फाइंड नहीं करना है, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज का यूज ही ना हो, तो आई थिंक कि परपेंडिकुलर और बेस आ जाए। परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में चलते हैं, कितना है साइन, कितने एंगल पे हो रहा है 45 डिग्री पे, कितना हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर ए बी है, और सॉरी साइन ले रहे हैं, टैन लेंगे, ए बी अपॉन बी सी। टैन की वैल्यू 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी दिया हुआ है 20 मीटर और बी सी आई डोंट नो, इस वजह से इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी सी बराबर, आई थिंक की बेस कितना आ गया 20 मीटर, इसका बेस 20 मीटर हो गया। अब दूसरे वाला आई थिंक की होल एंगल पे चलते हैं। इन ट्रायंगल पी वी सी में क्या लगाएंगे, टैन 60 डिग्री, तो क्या क्या इसमें आ रहा है, पी बी की अगर बात करें तो इतना प्लस इतना क्या आ जाएगा, पी ए प्लस ए बी, और बेस में कितना आ रहा है बी सी। टैन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट 3, पी ए नहीं पता जो कि एच दिया हुआ है, प्लस ए बी 20 और बी सी कितना आया हुआ है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्या आ गया, एच प्लस 20 इज इक्वल टू रूट 3 20, 20 इधर डिवाइड कर रहा हूँ उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, देखिए क्या हो गया, 20 रूट 3 ऐसे था, ये 20 इधर प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस 20 हो गया, 20 यहाँ भी है कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा यहाँ पे रूट 3 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, क्या आ गया 20, तो जो एच की वैल्यू आई है वो क्या आ गई 20 रूट 3 माइनस 1, जो कि क्या आ गया इसकी हाइट हो गई टावर की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसके बाद आता है, जो कि इसमें देख लिया आप लोगों ने, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को, वरना आप लोग एक बार वीडियो को स्टॉप करके और चीजें नोट डाउन भी करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक एंगल एलिवेशन का है। देखिए अभी सारे क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने लगाए वो एंगल ऑफ एलिवेशन आई थिंक नीचे से ऊपर ही देख रहा था, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी आएंगे जो कि क्या होगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ऊपर से कोई नीचे देखेगा। अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन अभी और लगाएंगे जो कि एंगल ऑफ डिस्पर्जन के बेस पे भी होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग और टावर आमने सामने आई थिंक सेम साइड है, दोनों लोग इक्वल डायरेक्शन में, is 30 degree and the angle of elevation top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. चलिए एक टावर ले लिया जो कि 50 meter high है, और एक सामने इसकी बिल्डिंग ले लिया, दोनों ग्राउंड लेवल पे हैं, बिल्डिंग थोड़ी सी छोटी होती है, इससे जो एंगल बना रहा है फर्स्ट एंगल कह रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, जो इससे एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है, और जो दूसरा एंगल कह रहा है आई थिंक 60 डिग्री ए बी सी और डी,
एबीसी जो ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, और क्या चीज आ रही है आई थिंक ये क्या आ रहा है टावर जो कि क्या है एबी। दूसरा एंगल क्या है हमारे पास डीसीबी, उसके अंदर क्या आ रही है बिल्डिंग जो कि हाइट कितनी है आई डोंट नो भाई हमको पता है तो हमने उसकी क्या ले लिया एच। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ले लिया क्या होगी एक्स। क्लियर, ये टावर है आप लोग शॉर्टकट में लिख दें और ये क्या है बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इन ट्रायंगल क्या बता दें पहले कि क्या है लेट डीसी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज इक्वल एच। क्लियर, देखिए चलते हैं पहले ये वाले ट्रायंगल पे चलेंगे और फिर ये वाले ट्रायंगल पे चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर ए बी सी की बात करें तो कौन सा ट्रायंगल एंगल आ रहा है 60 डिग्री और हाइट कितनी आ रही है 50 बिकॉज टावर वाले उसमें बात कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी की अगर बात करें तो क्या आ गया देखिए इसके अंदर भी हम लोगों को क्या पता है एंगल के सामने की साइड जो होती है वो क्या है परपेंडिकुलर, जो नीचे होता है वो क्या है बेस। आई थिंक इसके अंदर भी हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं हो रहा है, हाइपोटेन्यूज का यूज नहीं हो रहा है तो हम लोग उसमें क्या लेंगे टैन लेंगे। तो टैन 60 डिग्री, 60 डिग्री पे कितना आ रहा होता है ए बी परपेंडिकुलर है जो कि और बेस क्या है बी सी। टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 ए बी जो कि 50 दिया हुआ है अपॉन बी सी जो कि क्या मान लिया हम लोगों ने एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया रूट 3 एक्स इज इक्वल टू 50। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 50 अपॉन रूट 3। ये तो आ गई इसकी डिस्टेंस की बात। दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी में इसके अंदर एंगल कौन सा आ रहा है 30 डिग्री तो क्या ले लेंगे टैन 30 इज इक्वल टू एंगल के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर डीसी और जो नीचे होता है वो क्या होता है बेस। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डीसी नहीं पता एच दिया हुआ है और बीसी की वैल्यू उन्होंने निकालना है 50/√3 √3 ऊपर आ जाएगा बिकॉज अपॉन का अपॉन होता है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है 1/√3 जो होगा वो क्या हो जाएगा √3 एच अपॉन 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा तो क्या आ गया 3 एच इज इक्वल टू 50 एच बराबर आ जाएगा 50/3 जो कि ये हो गया हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग। या तो इसको हम लोग मिड फ्रैक्शन में कह सकते हैं 16 × 2/3 कैसे ये आता है आपको पता है नहीं पता है अगर कोई अपॉन में होता है उसको मिड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो उसको कैसे चेंज करते हैं। चलिए भाई आप लोगों को एक बार ये भी वैसे ही यहाँ पे आंसर हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ गई 50/3 या फिर क्या हो गया 16 × 2/3। कैसे होता है जब हमारा कोई भी फ्रैक्शन को मिड फ्रैक्शन में चेंज करना होता है 50 को 3 से डिवाइड किया तो 3 × 3 2 आ गया इसको उतार लिया 3 × 6 = 18 2 ये जब छोटा हो जाता है जो ये होता है वो ऊपर होता है जो ये होता है वो यहाँ जाता है और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 यही था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, एक टीवी टावर है जो कि उसके बैंक के कैनल पे रुका हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री 60 डिग्री पे है और उसके कुछ मीटर बाद आई थिंक फ्रॉम द अनदर पॉइंट कुछ डिस्टेंस के बाद 20 मीटर के डिस्टेंस के बाद एक और पॉइंट है
away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Canal की width क्या होगी और height क्या होगी जो कि इसके अंदर figure given है. चलिए आप लोगों को बताते हैं कि क्या होता है. Question number 9. Sorry, 11. Question number 11 में एक tower दिया हुआ है जो कि canal से touch है. एक angle बना रहा है पहले ground level से 60 degree पे. जो कि ये विड्थ हो गई इसकी कैनल की. हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, एक्स, और हाइट मान लिया टावर की एच. कह रहा है इस पॉइंट से 20 मीटर अवे थोड़ा सा और दूर जाते हैं हम लोग, तो जो ये आती है एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है. और इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 20 मीटर अवे, मतलब 20 मीटर की दूरी पे हम लोग जाएंगे. हम लोगों को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ये फाइंड करना है. चलिए चलते हैं. ए, बी, सी और डी. इसके अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे गौर से तो दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं. एक ट्रायंगल नजर आ रहा है ए बी सी, इसके अंदर एंगल कितना हुआ है 60 डिग्री और हाइट कितनी है एच. दूसरा आई थिंक होल अगर ट्रायंगल है तो ए बी और डी, इसके अंदर एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री. हम लोग को इसकी और इसकी निकालनी है हाइट, हाइट और विड्थ. तो चलिए पहले ओवरऑल एंगल पे लेते हैं. नेक्स्ट बात करें तो इन ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी में देखिए 90 डिग्री सामने की साइड हाइपोटेन्यूज. एंगल के सामने की साइड जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो नीचे होता है वो क्या होता है, बेस. तो इसके अंदर क्या लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है जो कि इसका फॉर्मूला होता है टैन का होता है. तो क्या लगा देंगे, टैन 60 डिग्री. टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी. 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3. AB की वैल्यू दी हुई है इसमें H और BC की X. अपॉन 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X रूट 3. ये हो गई H की वैल्यू. अब हम लोग बात करते हैं इन होल ट्रायंगल आई थिंक की ABD में. इन ट्रायंगल ABD की अगर बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, पहली बात तो ये जो डिस्टेंस होगी वो पूरी हो जाएगी. अगर हम लोग बात करें BD की तो BD बराबर क्या आ जाएगा, BC प्लस CD. इसमें क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स. आई थिंक जो BD की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, 20 प्लस एक्स. और हाइट कितनी रहेगी, एच. इसके अंदर एंगल कौन सा लेंगे हम लोग, 30 डिग्री. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी. tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3. ए बी बराबर दिया हुआ है एच और बी डी. बी डी का मतलब क्या है, बी सी प्लस डी सी. एच की वैल्यू है एक्स रूट 3 अपॉन बी सी बराबर एक्स है और डी सी दिया हुआ है क्वेश्चन में 20. 1 अपॉन रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स प्लस 20. रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3. एक्स इधर पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा. इधर क्या आ गया, 20. 3x में से x जाएगा कितना बचेगा, 2x. 2x से डबल टू कितना हो गया, 20. तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 10. यानी कि इनकी जो विड्थ है सेंटीमीटर. आई थिंक जो विड्थ होगी कैनल की, टावर के कैनल की जो विड्थ होगी वो 10 होगी. उसके बाद x की वैल्यू कहाँ हम लोग पुट करते हैं, h में. पुट इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए आप लोग. पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, h इज इक्वल टू x रूट 3. x की वैल्यू आई है 10, तो क्या हो जाएगी, 10 रूट 3 जो कि सेंटीमीटर में आ जाएगा. हाइट ऑफ टावर क्या हो गया, 10 रूट 3 और विड्थ ऑफ कैनल क्या हो गया, 10. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन मैं ये बताऊंगा, उसके बाद आप लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे. आई थिंक 5 और 6 क्वेश्चन हमने बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाएं और आप हमें बताते रहें कि आपको प्रॉब्लम क्या रही है. आई थिंक इस जितने क्वेश्चन में मैंने बताया बहुत ही, अगर देखेंगे तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट जा रहा है. पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्जन की. अभी तक सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे थे कि कोई भी ऑब्जर्वर या कोई भी मैन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा था, मतलब उसके फुट से बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था या फिर टावर के टॉप पे देख रहा था. अब क्या होगा कि कोई एक टॉप से बॉटम पे देखेगा, आई थिंक एंगल कौन सा लगेगा. अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल कौन सा आता है,
एंगल ऑफ डिस्पर्सन उसकी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एज अ ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है 75 मीटर, फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। कह रहा है कि अगर जो वो है लाइट हाउस वो सी लेवल से 75 मीटर की हाइट पे है और पहली बार शिप को देखा गया तो 30 डिग्री एंगल बन रहा था, दूसरा देखा गया तो 45 डिग्री बन रहा था, तो जो दो शिप थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हैं उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए पहली बात क्वेश्चन नंबर ये क्या है 13, हम लोगों ने ले लिया एक लाइट हाउस और ये क्या है फॉर एग्जाम्पल सी लेवल। फर्स्ट लाइट हाउस से अगर इसने देखा तो जो एंगल था तो एंगल कैसे होगा, आईने के फर्स्ट पहले ये ऊपर देखेगा जो कि यहाँ पे जो भी है और पहले 45 ये बनाएगा फिर यही 45 ये हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, कोई भी अगर पैरेलल साइड किसी लाइन को कट करती है तो वो जो एंगल बनाती है वो क्या होते हैं एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सिमिलरली अब कह रहा है इसके अंदर कि अगर थोड़े से डिस्टेंस के बाद जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है तो ये 30 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, हाइट कितनी दी हुई है लाइट हाउस की 75 मीटर, ए बी को मान लिया हमने लाइट हाउस, एक पॉइंट हमारा सी है एक शिप और दूसरा शिप क्या है डी है या तो फिर हम लोग बोल रहे हैं S1 शिप 1 और शिप 2। क्लियर, हम लोग को निकालना क्या है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। क्लियर, चलिए चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी एस वन में, ये वाले ट्रायंगल में जिसकी हाइट 75 है और एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो क्या लगाएंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी एस वन। ए बी tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी की वैल्यू 75 और बी एस वन जो कि वाई है अपॉन वन किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा वाई बराबर क्या हो गया 75। आई थिंक ये जो लाइट हाउस से फर्स्ट वाला जो शिप है वो कितने डिस्टेंस पे है 75 मीटर के डिस्टेंस पे है। अब हम लोग को निकालना क्या है इनके बीच के डिस्टेंस बिकॉज शिप वन ये है शिप टू ये और ये आपस में कितनी डिस्टेंस पे है, सेकेंड वाले उस पर लगा दीजिए ट्राइंगल में लगा दिए तो इन ट्राइंगल ए बी एस टू क्या लगाएंगे इसमें कौन सा एंगल आ रहा है 30 तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी एस वन प्लस बी एस टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 ए बी जो कि दिया हुआ है 75 बी एस वन क्या निकला है वाई बी एस टू एक्स 1 अपॉन रूट 3 75 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आई है 75 प्लस एक्स नहीं पता तो ऐसे ही रखकर रह देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 75 रूट 3। क्लियर है 75 इधर क्या है पॉजिटिव साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 75 फॉर्मल ले लीजिए तो क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1 75 जो कि इसके बीच की डिस्टेंस आ गई। मेन डिस्टेंस क्या आई है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स एक्स इज इक्वल टू 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर पे जी आ गई। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता दें रूट 3 की वैल्यू आई थिंक पहले ही हम बता चुके हैं रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 पाई की वैल्यू होती है 3.14। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि आप लोगों को याद रखने की जरूरत है जो कि इसमें यूज हो सकती है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। नेक्स्ट अगर बात करें तो आई थिंक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तीनों पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े और तीनों पार्ट्स में एक चैप्टर कवर हो गया सेकंड चैप्टर था ये आई थिंक चैप्टर 9 चैप्टर 8 जो था वो ट्रिग्नोमेट्री थी और चैप्टर 9 जो था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था जो कि उसके क्वेश्चन आप लोगों ने कुछ लगा लिए। अब ये है कि अगर आप लोगों ने ओवरऑल इसका रिविजन नहीं किया तो
प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कवर करता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई और यूपी बोर्ड, आई थिंक स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों, नियर अबाउट 15 to 20 marks, 15 or 20 marks इज अ हैवी मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं 70 or 80 marks के उस पर। तो आप लोग उसके जो है बहुत अच्छे से स्टडी करें और आप लोग इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो प्रॉब्लम आए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ रिकमेंड मी इन कमेंट बॉक्स, थैंक यू सो मच।